वेलकम टू फ्यूचर है दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए शार्कबोर्ड कंपनी का मिनी पैनल सो लेके आया हूँ। दोस्तों इसको किस तरीके से हम असेंबल करेंगे, हम इसके दो पार्ट बनाएंगे। पहले पार्ट में आपको दिखाएंगे किस तरीके से ये फिट होता है। कल को आप परचेज वगैरह भी कंपनी से करते हो तो आप भाइयों को कोई दिक्कत नहीं आए। और दूसरे पार्ट में हम क्या करेंगे तो इसको वर्क करके दिखाएंगे किस तरीके से हम इसके साथ वर्किंग कर सकते हैं। और दोस्तों जो सर वीडियो का लाइक का टारगेट रखा वो मैंने 10,000 का रखा, वो मुझे पता सभी कारपेंटर भाई वीडियो शुरू होने से पहले लाइक का बटन दबा देंगे। चलो दोस्तों इसकी अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। दोस्तों इस मशीन के साथ हमें चार बॉक्स मिलते हैं, यानी कि मैं आपको वन बाय वन ओपन करके दिखाऊंगा इसके अंदर कौन से बॉक्स के अंदर कौन सा टूल है। दोस्तों नीचे हमने टेबल के नीचे फुट पैर लगा लेने हैं, जैसे मैंने एक लगाया इसी तरीके से हम चारों लगा लेंगे। दोस्तों नीचे के हमने इसके चारों शू लगा लिए हैं इसके। दोस्तों ये इसलिए कल को आपका बैलेंस भी अप डाउन होता है तो आप इसके साथ बैलेंस भी बराबर कर सकते हो। जैसे कि आप देख रहे हो कि मैं बटरफ्लाई नट को नीचे कर रहा हूँ ताकि जो साइड के एक्सटेंशन है वो इसमें आराम से जा सके। जो हमने बटरफ्लाई नट पहले लूज़ करे थे, एक्सटेंशन डालने के बाद उसको टाइट कर देने हैं। टाइट कर देने के बाद हम इसके ऊपर रोलर फिट करेंगे। रोलर ये हमें फ़िट कर देना नट के साथ, ठीक है, ये फिट कर देना है। और सेम ऐसी फिटिंग हमें दूसरी तरफ भी करनी है, जैसे कि आप देख ही रहे हो। इन दोनों रोलर को फिट करने के बाद अब हम करेंगे सेकंड रोलर की फिटिंग। जैसे कि आप देख ही रहे हो कि हमने फिट कर दिया है, ये आपने नट लगा लेने बड़े ध्यान से। नट लगाने के बाद हमें दूसरे रोलर को भी फिट करना है, या आपने अपनी सहूलत के हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। आप जैसे इसमें तीन स्लॉट देख रहे हो तो किसी भी स्लॉट में लगा सकते हो, ऐसे ही हमें स्ट्रक्चर के अंदर फिट कर देना है। दोस्तों सारी हमने इसके अंदर फिटिंग प्रॉपर तरीके से लगा दी है। तो दोस्तों इसका जो सा बेड का जो सा स्लाइडिंग टेबल होता है ये हमारा लॉक किया हुआ होता है, अब हम इसको अनलॉक करेंगे, वो मैं बताऊंगा किस तरीके से करना है। दोस्तों ये हमारा स्लाइडिंग बेस है, ये देखो इसमें लॉक लगा हुआ, आगे पीछे नहीं जा रहा, तो हम नीचे की तरफ से इसको लॉक अनलॉक करेंगे। ये देखो अब ये ओपन हो चुका, अब हम ये वर्क इसके ऊपर जैसे तो मैं आपको आपके सामने दूसरा बॉक्स ओपन करने जा रहा हूं, तो इसके अंदर से देखते हैं कौन सी मशीनरी हमारी निकल रही है। दोस्तों बॉक्स ओपन करने के बाद हमें यूजर मैनुअल मिलता है, इसके अंदर पूरी मशीन की डिटेल वगैरह दी होती है, यह पढ़ना बहुत जरूरी है। दोस्तों एक इसके अंदर क्या जोन सी हमें इसमें सर्वो मोटर मिलती है, सर्वो मोटर जितनी भी आजकल जोन सी नई मशीनरी वगैरह आती है सीएनसी मशीन है ये उनके अंदर लगी होती है, क्योंकि ये साउंड लेस होती है। और दोस्तों इसके अंदर ब्रशलेस का यानी कि ये होता है काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चलती है। आम जितनी भी मशीनें होती है उसके अंदर कार्बन वगैरह होते हैं तो हमें बड़ी मुश्किल होती है यानी कि उसके चेंज वगैरह करने के लिए। और दोस्तों बाकी इसकी जितनी भी मशीन की डिटेल है सामने आपको स्क्रीन पर नजर आ रही होगी। और दोस्तों एक इसके साथ हमें डस्ट कलेक्टर मिलता है, वो काफी हैवी ड्यूटी है क्योंकि अगर आप फैक्ट्री में काम वगैरह करते हो धूल वगैरह वो सारी इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है इकट्ठी। और दोस्तों दो हमें इसके साथ ब्लेड मिलते हैं, एक स्मॉल ब्लेड मिलता है और एक बिग ब्लेड मिलता है, यह भी मैं आपको बताऊंगा। और हाँ दोस्तों एक हमें इसके साथ सेफ्टी गार्ड मिलता है, कुछ हमें इसके साथ इसके स्पेयर पार्ट मिलते हैं मशीनरी के। और दोस्तों इसके अंदर जो सा ब्लेड मिलता है छोटे वाले ब्लेड का साइज हमारा 5 इंची का है और बड़े वाले ब्लेड का साइज हमारा 8 इंची का है। दोस्तों अगर आपने इसको अप डाउन करना है तो नीचे की तरफ लिफ्ट लगी है तो आपने इस तरीके से ये नीचे जा रहा है और देखो ये ऊपर की तरफ निकल रहा है। मैं आपको थोड़ा
अगर इसको करना है तो इसका यहाँ पर लॉक दे रखा है इन्होंने। और दोस्तों इसके अंदर तीन मोटरें हैं, 8 इंची वाले ब्लेड की अलग है, तो 5 इंची वाले ब्लेड की अलग है, तो जो सा हमारा अपना डस्ट कलेक्टर है तो उसकी मोटर अलग है। दोस्तों जो सा हमें डस्टिंग के लिए बैग मिलता है 20 kg का है, ये देखिए काफ़ी हैवी ड्यूटी बैग है, तो ये यहाँ करके अटैच होगा। दोस्तों मशीन डालने से पहले एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जौन सा हमारा इसका अपना बेड का लेवल है बिल्कुल 0-0 होना चाहिए। कंपनी ने यहाँ एलकी के 4 स्क्रू दे रखे हैं, तो आप एलकी की मदद से इनका अप डाउन कर सकते हो। जैसे ये मेरा लेवल बिल्कुल 0-0 है, तो मैं लेवल इसलिए कह रहा हूँ बिल्कुल बराबर आना चाहिए, कोई भी हम वर्क वगैरह करेंगे तभी उसकी एक्यूरेसी परफेक्ट आएगी। दोस्तों ये फेंग्स के क्लिप हैं, ये इस तरीके से हम टाइट कर लेंगे। दोस्तों हमको फेंग्स इस तरीके से फिट करनी है, ये इनके अंदर आएगी, ये देखो इनके अंदर स्लाइड हो जाएगी। दोस्तों ये हमारी फेंग्स को हम जब इसको फाइनल टाइट करेंगे, ये हमारे इधर ब्लेड लगे हैं, तो ये देख लेना ब्लेड से अपना 4-5 mm फेंग्स इधर है, तो फिर हम यहाँ से क्या करेंगे एलकी की मदद से इसको टाइट कर देंगे। और फेंग्स लगाते समय ये चीज़ आपको बिल्कुल पैरेलल रखनी है, क्योंकि ये मेन हमारा राइट एंगल है, अगर ये हमारा राइट एंगल में नहीं होगा तो बोर्ड की कभी भी कटिंग हमारी अपने राइट एंगल में कभी नहीं आएगी। दोस्तों फेंग्स हमने फिट कर दिया, फेंग्स के बाद हम तीसरा बॉक्स खोलेंगे, तो इसके अंदर देखेंगे क्या चीज़ निकलती है। तो इसमें हमारा रूटर निकला, ये यूजर मैनुअल इन्होंने दे रखा है इसके। दोस्तों जब हमें जौन सा हमें इसके साथ रूटर मिलता है वो शार्प गोल्ड कंपनी का, यहाँ इन्होंने ब्रांडिंग कर रखी है अपनी कंपनी की। और जौन सी इसके साथ कोलेड मिलती है 8 mm और 12 mm की मिलती है, और जौन सा इसके अंदर बिट आता है वो 12.7 का आता है, इसके अंदर जौन सा बिट आता है। और इसके साथ दोस्तों हमें एक बैरिंग गाइड मिलती है, तो इसके साथ एक हमें कॉपी गाइड मिलती है, तो सेफ्टी के लिए गार्ड मिलता है, 2 हमें इसके साथ चाबियाँ मिलती है, और 1 हमें फेंक्स मिलती है, ये वाली स्लाइडिंग फेंक्स मिलती है, और 1 हमें ये मिलती है इसके साथ, बाकी ये बिट मिलते हैं हमें इसके साथ, 12 बिट हैं इसके साथ, अलग अलग डिजाइन के हैं, यानी कि इसके लिए हमें कॉलर नहीं लगानी पड़ेगी, डायरेक्ट हमारा रूटर के अंदर ये लग जाएगा। दोस्तों रूटर की हमें बेस प्लेट खोलनी पड़ेगी, इसके ऊपर ये हमें स्टील की प्लेट लगानी पड़ेगी इसके अंदर फिट करने के लिए। दोस्तों ये हमारी बेस प्लेट फिट हो गई है, बाकी कंपनी ने अलग अलग एडजस्टमेंट दे रखी है कि अगर आपके पास रूटर इसके अलावा और भी कोई हो वो भी फिट हो जाएगा। दोस्तों रूटर को जब हम इसके अंदर डालेंगे तो हमने सबसे पहले इसके हैंडल खोल लेने दोनों तरफ के। दोस्तों लेफ्ट राइट में दोनों तरफ हमारे ये रोलर लगे हैं, आपको नज़र आ रहे होंगे पीले पीले, ये दोस्तों इसलिए जब हम बोर्ड वगैरह इसके ऊपर रखेंगे तो यानी कि इसके ऊपर बिल्कुल एकदम अगर इसका बैलेंस बराबर होगा तभी हमारा एकदम बोर्ड बिल्कुल फ्री चलेगा। तो हमने क्या करना है इसका बैलेंस, ये देखिए ये बिल्कुल आउट हो रखा है, ये देखो हमने क्या करना है सीधीदार की पट्टी लेके इनका बैलेंस बिल्कुल 0-0 कर लेना है। तो लेफ्ट राइट दोनों तरफ हम करेंगे, मैं आपको करके दिखाता हूँ हम किस तरीके से करेंगे इनका। दोस्तों कंपनी ने यहाँ एडजस्टमेंट दे रखी है, आप देखो ये बिल्कुल, ये देखो बिल्कुल सही हो गया। अब क्या है नीचे वाले को हम टाइट कर देंगे और इसी तरह के हम इसको कर लेंगे, ये देखो ये हमारा आउट है। तो इस तरीके से आप इसका बैलेंस करेंगे, दोनों तरफ इसी तरीके से होना चाहिए। दोस्तों इस जगह हमारी ये डी फिट होगी, तो हम डी को यहाँ पर लगा लेंगे। आपको जितनी भी डिग्री की चाहिए आप यहाँ से इसकी डिग्री कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ हमारा सेफ्टी गार्ड फिट होगा।
हमारा सेफ्टी गार्ड भी फिट हो गया। दोस्तों जैसे हमें दो फैंक्स मिलते हैं, एक तो स्लाइडिंग के साथ हमारी वर्क होती है, अगर हमने स्लाइडिंग के साथ नहीं करना तो एक यहाँ पर हमारी फैंक्स लगती है, कोई भी चीज़ हमें यहाँ से काटनी है लंबे पीस वगैरह तो इस तरीके से हम यहाँ मर्जी इसको और ये हमारा लॉक हो जाता है। तो यहाँ पर भी दोस्तों देखो इन्होंने लेजर के साथ इन्होंने मार्किंग की हुई है और काफ़ी डीप में है, और यहाँ पर देखो इन्होंने शार्प गोल्ड का अपना कंपनी का लोगो भी लगा रखा है, ब्रांडिंग कर रखी है। तो मैं एक बार आपको मशीन सारी घुमा के बाहर से पूरी दिखा देता हूँ। दोस्तों नीचे हमारा डस्टिंग का बैग है, ये नीचे डस्टिंग का बैग आ जाता है। बाकी जब हम बोर्ड वगैरह पर आगे वर्क करते हैं तो इस हिसाब से क्या बोर्ड हमारा इसके ऊपर चलता है, इनके ऊपर। तो ये वाली फैंक्स हमारे आगे भी बढ़ जाती है। दोस्तों हमारे पास लास्ट बॉक्स बचा है, इसके अंदर देखते हैं क्या चीज निकलती है। बाकी दोनों मशीनें मैंने आपको लगा के दिखा दी हैं। दोस्तों पहली मशीन हमने इसके अंदर से निकाल दी है, दूसरी मशीन हम डाल रहे हैं इसके अंदर एज बैंडिंग। तो इसका भी बैलेंस हमें इसके साथ बराबर रखना है, ये तो मैंने आपको डेमो करके दिखाया, इसका बैलेंस बिल्कुल हम 0-0 इसके साथ रखेंगे। दोस्तों मशीन के बारे में मैंने पूरी आपको जानकारी आपको बता भी दिया और आपने देख भी दिया भी किस किस तरीके से हमने इसके पार्ट हमने फिट किए हैं। दोस्तों इसमें ये कामयाब मशीन इसलिए है ये क्योंकि आप इसको जहाँ मर्जी उठा के लेके जा सकते हैं, यूँ नहीं है कि आपने फैक्ट्री में रखी, कहीं आपका साइड में भी काम चल रहा है, फोल्डिंग है ये, इसका स्ट्रक्चर सारा फोल्डिंग में है तो आप कहीं भी इस पर वर्क वगैरह कर सकते हो ले जाके। और दोस्तों अगर इसका बोर्ड का साइज है जैसे 9x5 का हमारा पार्टिकल बोर्ड होता है तो वो भी इसके ऊपर बड़ी आसानी से काटा जाएगा, और 8x4 का भी बोर्ड बड़ी आसानी से काटा जाएगा। जैसे इसमें तीन वर्क होते हैं, एक हमारा ट्रिमर होता है, एक हमारी कटिंग होती है, एक हमारी एज बैंडिंग होती है, तो सारे काम एक ही मशीन के अंदर हो जाएंगे। नहीं तो आमतौर पर जितने भी पैनल शो आते हैं वो पैनल शो का काम करते हैं, उसमें क्या होता है ट्रिमिंग नहीं होता। तो कंपनी ये इसका प्राइस भी बहुत कम है, मैं आपको इसका प्राइस बताऊंगा, आप प्राइस भी सुन के इसका दंग रह जाओगे। तो ये जोनसी इसको सेल कर रहे हैं, शार्प गोल्ड कंपनी लुधियाने की कंपनी है और काफी फेमस कंपनी है, और कारपेंटर भाइयों के लिए हमेशा ये नए नए टूल लाती रहती है। दोस्तों अगर इसको किसी भाई ने अगर परचेज वगैरह करना है तो सामने आपको कस्टमर केयर नंबर नजर आ रहे होंगे, और इसका जो सा प्राइस रहने वाला 1,60,000 का है, जिसके अंदर GST भी है इसके साथ ही है, और ट्रांसपोर्ट का खर्चा आपको अलग पड़ेगा इसके साथ। तो हाँ दोस्तों जो सी हमने इसकी फिटिंग के ऊपर वीडियो बनाई है स्पेशल आप लोगों भाइयों के लिए बनाई है, कल को आप इस मशीन को परचेज वगैरह भी करते हो, क्योंकि आमतौर पर जितनी भी मशीनें होती हैं उसकी फिटिंग के ऊपर वीडियो नहीं बनती है या फिर आदमी हमारे कारपेंटर भाई परेशान हो जाते हैं। तो दोस्तों इसलिए हमने ये फिटिंग की वीडियो बना दिया है। अगर आप चाहते हो कि वर्किंग की मैं वीडियो बनाऊँ, आपको काम करके इसमें दिखाऊँ, तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा आपने कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताना, तो हम उसके ऊपर भी वर्क के ऊपर भी वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों ये आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन का बटन दबाने के बाद ऑल का बटन दबा देना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, धन्यवाद।